एवरीवन, आज हम लोग को समझने हैं क्या डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड अस्टेशनरी। हाँ डियर लिस्नर, डियर स्टूडेंट्स, क्या है आज का जो टॉपिक है, डिफरेंस बिटवीन स्टेशनरी एंड अस्टेशनरी। वाह क्या बात है, ये भी स्टेशनरी है और ये भी स्टेशनरी है, ये सारे जो है कॉमन इवन है ना। हम लोग क्या करते हैं, अक्सर लिखते समय क्या करते हैं, गलतियां कर बैठते हैं। किस वर्ड का किस वे में यूज करते हैं उसकी जानकारी न रहने की वजह से बहुत सारी गलतियां हम लोग कर बैठते हैं। तो आज आइए डियर लिस्नर, डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर हम लोग करते हैं, डिस्कस करते हैं। आज का जो वर्ड है स्टेशनरी और अस्टेशनरी, यू ऑल लुक केयरफुली व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है, आप लोग देखेंगे बोर्ड पे लिखा हुआ है, प्रयास कीजिए कि यहां पे क्या डिफरेंस है। दोनों का प्रोनाउंसिएशन स्टेशनरी है, क्या स्टेशनरी, आप लोग स्टेशनरी का नाम भी सुने हैं, बुक स्टॉल पे किताब दुकान पे लिखे हुए देखते हैं, बुक स्टेशनरी है ना। तो इसी तरह अब क्या है स्टेशनरी, अब प्रयास किए यहां पे ये दोनों स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है, कमेंट का बॉक्स में आप रिप्लाई देंगे कि ये दोनों में आप क्या क्या किए, ये जो दोनों स्टेशनरी है इसमें क्या एरर है और क्या डिफरेंस है, इसका रिप्लाई आप लोग को कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। ठीक है, देखिए क्या अभी तक क्या आप लोग स्टेशनरी के बीच इस दोनों स्टेशनरी में जो डिफरेंस था उसको क्या आप लोग क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए अब मैं चलता हूं दोनों स्टेशनरी के पास, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या इसमें डिफरेंस है। देखिए डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल लुक मी केयरफुली, यहां जो स्टेशनरी एक वर्ड है इसमें लिखा हुआ है एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, क्या एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, और सेम इसमें बस वीक लेटर का डिफरेंस है, एस टी ए ए भी सेम है, टी आई ओ ए भी सेम है, एन ए भी सेम है, लेकिन देखिए यहां पर जो है क्या है, ए है और यहां पे जो है ई है और बाकी उसके बाद जो है सेम लेटर है। एक स्टेशनरी में ए है और दूसरे में ए के जगह पे क्या है, ई है। तो डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स, इन्हीं सभी कॉमन मिस्टेक्स को हम लोग को क्लियर करना है, और यदि आप इसको इग्नोर करके चले जाते हैं तो क्या आप बहुत बड़ा मिस्टेक कर जाते हैं। क्लियर, तो देखिए क्या मिस्टेक करते हैं आप, ए स्टेशनरी, ए दोनों जो स्टेशनरी हैं किस वे में इसका यूज होगा, कहां पे कौन से स्टेशनरी का यूज करेंगे उसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्या यहां पे एस टी ए टी, क्या है एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई, क्या एस टी ए टी आई ओ एन ए आर वाई स्टेशनरी, एक जो स्टेशनरी है एडजेक्टिव है और एक स्टेशनरी है जो नाउन है। क्लियर, एक क्या होता है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्या है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है और एक जो है से नेमिंग वर्ड है, क्या एडजेक्टिव इज डिस्क्राइबिंग वर्ड, क्या डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव और नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ये डिस्क्राइब करने के लिए यानी कि किसी को विशेषता बताने के लिए प्रयोग होता है और ये किसी नाम के किसी वस्तु का नाम है। फाइनली समझ लेना है, तो देखिए क्या है, स्टेशनरी मीन्स ऑफ स्टेशनरी इज नॉट मूविंग, क्या स्टेशनरी का क्या मीन्स है, इज नॉट मूविंग, क्या है इसका नॉट मूविंग, नॉट मूविंग मतलब, मूविंग मतलब क्या होता है, चलना घूमना,
गति में रहना, मोशन में रहना, लेकिन इसमें क्या लगा हुआ है, नॉट मूविंग। तो स्टेशनरी का कब डिस्क्राइब वर्ड के रूप में प्रयोग करेंगे, नॉट मूविंग, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होगा, रेस्ट मोड में होगा, तो वहां पे क्या बोलेंगे, स्टेशनरी, यानी कि STATIONARY स्टेशनरी का प्रयोग करेंगे। क्या होगा, जब रेस्ट में होगा, यानी कि मोशन में नहीं हो, रेस्ट मतलब विराम अवस्था, आराम में हो, स्थिर हो, कंप्लीट गतिहीन हो, तो वहां पे स्टेशनरी का प्रयोग करेंगे। क्या, जब हमें डिस्क्राइब करना हो, जब किसी ऑब्जेक्ट का डिस्क्राइब करना हो, कब, जब वह ऑब्जेक्ट रेस्ट मोड में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो उसे तब वहां स्टेशनरी वर्ड का यूज कर सकते हैं। जैसे यदि आपकी गाड़ी, आपकी बाइक, आपकी साइकिल क्या है, स्थिर है, गतिहीन है, रुकी हुई है, तो उस वे में आप बोल सकते हैं स्टेशनरी बाइक, स्टेशनरी कार, यानी कि स्थिर है, स्टेशनरी बाइक, स्टेशनरी, स्टेशनरी कार, वह क्या है, स्थिर है। जब स्थिर होगा, गतिहीन अवस्था में हो, मतलब गति में ना हो, मोशन में ना हो, तो उस वे में एक स्टेशनरी का प्रयोग करते हैं। लेकिन आप लोग देखेंगे अधिकांशतः मार्केट में जितने भी बुक स्टॉल्स हैं, बहुत सारे ऐसे बुक स्टॉल्स हैं, वहां पे क्या होगा, बुक स्टेशनरी की जगह पे कौन से स्टेशनरी का नाम लिखा होगा, STATIONARY। स्टेशनरी, एक स्टेशनरी मीन्स नॉट मूविंग, यानी कि स्थिर खड़ा हुआ होता है, और एक स्टेशनरी मीन्स क्या होता है, लेखन सामग्री, यानी कि स्टडी मटेरियल, लिखने पढ़ने वाला वस्तु सामान को क्या बोलते हैं, स्टेशनरी कहते हैं। पेन हो गया, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, बुक, ये सब लिखने पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट क्या हैं, स्टेशनरी हैं। तो कौन सा स्टेशनरी का प्रयोग करेंगे, STATIONARY। यदि लिखने पढ़ने वाले ऑब्जेक्ट के लिए जब स्टेशनरी का प्रयोग करना हो, स्टेशनरी बुक, सॉरी स्टेशनरी शॉप, तो STATIONARY का ही हम प्रयोग करते हैं, वहां पे लिखा जाएगा, यानी कि STATIONARY वह क्या हो गया, स्थिर गतिहीन। ये एडजेक्टिव है, क्वालिफाइज करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रयोग किया जाता है, गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी अस्थिर है, तो क्या बोलेंगे, स्टेशनरी व्हीकल, कंप्लीट, स्टेशनरी ट्रेन। लेकिन जब वस्तु के लिए प्रयोग करना है, तो ए स्टेशनरी जहां पे क्या होता है, NER होता है, और जहां पे NERY होता है, वह क्या, रेस्ट पोजीशन में जब कोई ऑब्जेक्ट होगा, तो NERY का प्रयोग करेंगे, स्टेशनरी का, और NERY फॉर स्टडी मटेरियल, यानी कि राइटिंग इक्विपमेंट। फाइनल, जैसे मैं देखिए लिखा हुआ है, इसको आप नोट करेंगे, मीन्स ऑफ स्टेशनरी इज नॉट मूविंग, अर्थात खड़ा हुआ या स्थिर, ए स्टेशनरी व्हीकल, रुकी हुई गाड़ी, स्टेशनरी ट्रेन, रुका हुआ ट्रेन, स्टेशनरी NERY, यानी कि नाउन जो है, मीन्स ऑफ स्टेशनरी इज राइटिंग इक्विपमेंट, यानी कि लेखन सामग्री, स्टडी मटेरियल्स का जो शॉप या जितने सारे लिखने पढ़ने वाले जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उसको क्या बोलेंगे, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स, पेंसिल, पेन्स, पेपर, एनवेलप, इरेजर, etc. दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं फिर इसी तरह के नए वीडियो के साथ, हमेशा बने रहें। डियर लिसनर, डियर स्टूडेंट्स,
और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मैं लेकर आऊंगा, हमेशा निरंतर बने रहेंगे।